आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं उषा भार्गव और स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। हिमाचल प्रदेश की सभी 68 विधानसभा सीटों पर 12 नवंबर को मतदान संपन्न हो गया। राज्य में कुल 7,884 मतदान केंद्रों पर वोट डाले गए और विधानसभा चुनाव लड़े गए। 412 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। इस चुनाव के नतीजे 8 दिसंबर को घोषित होंगे। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा की 68 सीटों के लिए 12 नवंबर को मतदान संपन्न हो गया। राज्य में कुल 7,884 मतदान केंद्रों पर वोट डाले गए और विधानसभा चुनाव लड़ रहे 412 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई। इस चुनाव के नतीजे 8 दिसंबर को घोषित होंगे। गौरतलब है कि पहाड़ी राज्य होने पर भी हिमाचल प्रदेश का वोटिंग प्रतिशत अन्य राज्यों से बेहतर ही रहता है। इस बार भी यहां विधानसभा चुनाव के लिए 75% वोटिंग हुई। जनता ने यहां के 68 विधानसभा क्षेत्रों के चुनावों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जबकि बैलेट पेपर से हुए मतदान की गिनती अभी तक नहीं हुई है। माना ये भी जा रहा है कि मतदान का प्रतिशत यहां 77% तक पहुँच सकता है। तो वही दून विधानसभा क्षेत्र में सबसे अधिक मतदान हुआ। यहाँ 85.2% मतदान हुआ, जबकि सबसे कम 62.53% मतदान शिमला शहरी, तो वहीं सिरमौर जिले में 78.0% मतदान हुआ और कांगड़ा जिले में 71.05% वोट पड़े। जानकारी के लिए आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश के 2017 के विधानसभा चुनाव में 2017 में 75.57% मतदान दर्ज हुआ था। दरअसल हिमाचल प्रदेश में इस बार मुकाबला त्रिकोणीय है। पहले सिर्फ बीजेपी कांग्रेस के बीच यहां मुकाबला होता था, लेकिन अब आम आदमी पार्टी भी चुनावी मैदान में है और दोनों पार्टियों को कड़ी टक्कर दे सकती है। चुनाव में राज्य के मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता जयराम ठाकुर और पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह के बेटे विक्रमादित्य की साख भी दांव पर लगी हुई है। यहां मतदान के दौरान तरह तरह की तस्वीरें सामने आई और लोगों ने इस बार बढ़ चढ़ कर मतदान में हिस्सा लिया और इस बार के आंकड़े भी पिछले सालों के रिकॉर्ड को तोड़ सकते हैं। फिलहाल देखना ये होगा कि यहाँ के त्रिकोणीय मुकाबले में किस पार्टी को जीत मिलती है और किस पार्टी को हार। इस रिपोर्ट इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।